नमस्कार, मैं हूँ योगी नित्य और आज मैं आपको अग्निसार करना सिखाऊंगा। अग्निसार प्राणायाम नहीं अभी तो ये क्रिया है, तो इसको हम कपालभाति के बाद में करते हैं। करना कैसे है, इसको श्वास लेकर के श्वास को बाहर छोड़ना, पूरा सांस बाहर छोड़ देना, लंग्स के अभी और पेट के भीतर का भी दोनों श्वास बाहर छोड़ने हैं। पहले पेट का, साथ में ही लंग्स का, या यूँ कहें कि पहले लंग्स का तो बाद में जो बचा खुचा पेट भी निचोड़ के। जब पेट निचोड़ दिया, सांस बाहर निकल गया, तो फिर आपने पेट को हिलाना, ये अग्निसार हो जाता है। अभी मैं करके दिखाऊंगा। लेकिन इसके लाभ क्या क्या हैं, जिन लोगों को भी पाचन शक्ति कमज़ोर हो गई है, या यूँ कहें कि पेट में पैनक्रियाटिक ग्लैंड, पैनक्रियाटिक जूस जो आप बीटा सेल्स का जो डीजनरेशन हो रहा है, जिसकी वजह से इंसुलिन नहीं बन रही, उस जो इंसुलिन को भी दोबारा से बनाने का काम करता है। और जिनका पेट फूल रहा है, पेट गोल हो रहा है, अपच है, इनडाइजेशन है, उन लोगों को ये बहुत हेल्प करता है, बहुत ही अच्छा है। पेट के मसल्स एकदम लचकदार बन जाते हैं, खाना अच्छे से पचता है और हाजमा, हमारा पेट, लीवर, हार्ट, आंतें, ये सारा जो मध्य प्रदेश है, ये नाभि है, ये जगह पे रहती है। जिनकी नाभि टल जाती है, धरण पड़ जाती है, उनके लिए बहुत अच्छा है। करना कैसे है, वायु मुद्रा में या फिर किसी भी अन्य मुद्रा में दोनों हाथ रख लिए घुटनों पर और गहरी श्वास भरी। लंबा श्वास भरने के बाद दुगने प्रेशर से बाहर छोड़ना है, बाहर छोड़कर बाहर रोक देना और जितना घुमा सको सांस बाहर छोड़ के घुमा लो। ये 7 से 10 बार कर सकते हो, गर्मियों में 5 बार, सर्दियों में 15 बार भी कर सकते हो मैक्सिमम। और इसके करने के वक्त हाथों को थोड़ा यूं रख दो तो पेट थोड़ा अंदर हो जाता है, तो आराम से घूम जाता है। ये बड़ा ही अच्छा है जिन लोगों का भी पेट स्वस्थ नहीं है, जिन लोगों का भी पाचन शक्ति, जिन लोगों की कमज़ोर है, उनको ये करना चाहिए अग्निसार।